वेलकम दोस्तों, मेरे टेकजिंग चैनल में आपका स्वागत है और मैं आनंद प्रजापत आज लेके आया हूँ नया वीडियो जो कि है Realme 11 सीरीज। जी हाँ, मेरे पास है Realme का न्यू लॉन्च Realme 11 Pro Plus 5G। तो आइए इसके बारे में थोड़े जानते हैं, थोड़े स्पेक्स के बारे में देखेंगे और इसके पिछले जो फ़ोन लॉन्च हुआ था Realme 10 सीरीज उससे क्या चेंजेस हुआ है वो उसके बारे में भी देखेंगे और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए इस बजट में वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसका डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 950 nits। जी हाँ, कम ब्राइटनेस इसका काफ़ी अच्छा है और इस 1 billion कलर सपोर्ट करता है और सबसे मेन बात जो है वो है HDR10+ सपोर्ट करता है इसमें। जी हाँ, HDR10+ सपोर्ट करता है और बिलो 30,000 फोन्स में बहुत कम ही मिलता है जो Realme ने अफोर्ड कर रहा है 30,000 बिलो HDR10+ सपोर्ट करना। और इसका बेजल्स देखिए कितने पतले हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बता दूं कि 93% है ओनली। कर्व डिस्प्ले का वजह से मैक्सिमाइज इसका डिस्प्ले आपको एक्सपीरियंस मिलता है। चिन भी काफ़ी पतला है और आप ऊपर से भी कप बेजल्स देख सकते हैं, काफ़ी पतला है और पंच होल जो कैमरा दिया है वो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिनिमाइज होल है। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन को, तो देखिए डिज़ाइन पीछे में कितना प्रीमियम डिज़ाइन आ रहा है। जी हाँ, ये पूरा लेदर फिनिश में दिया गया है कि हालांकि ये प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक बैक है, बट इसका जो फिनिशिंग है वो लेदर में दिया गया है। आप इसके स्टिचिंग देख सकते हैं, गोल्डन कलर में फिनिश दिया हुआ है स्टिचिंग, और इसके जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक है बट गोल्डन कलर में इसे कलर किया हुआ है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो जी इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek Dimensity 70। ये नया प्रोसेसर है और एज़ कम्पेयर टू 10 सीरीज में उसमें 1080 दिया हुआ था जो Dimensity 6 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड था, ये भी 6 नैनोमीटर है। तो प्रोसेसर में ज़्यादा कोई अपग्रेडेशन है नहीं, दोनों का सिमिलर प्रोसेसर ही है। सेम Antutu स्कोर निकल के आता है 5.5 लाख का, जो कि 2.6 GHz का क्लॉक पे स्पीड है। एंड्रॉयड 13 के साथ ये आएगा Realme UI 4.0 के साथ। जी हाँ, और इसका बैटरी इसमें जो दिया गया है वो है 5000mAh बैटरी। आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम फ़ोन है बट इसमें 5000mAh बैटरी एनी हाउ मैनेज करके दिया गया और 100 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है 50% 17 मिनट्स में हो जाएगी और 26 मिनट्स में हैंडसेट पूरा कंप्लीट 100% चार्ज हो जाएगा। और बात करें तो इसके स्टोरेज वेरियंट के, तो ये दो वेरियंट में आएगा, एक 8GB रैम और 256GB स्टोरेज में और एक 12GB रैम 256GB स्टोरेज में। इसका स्टोरेज भी अच्छा है और जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी है वो UFS 3.1 है, तो पिछला वाला में 3.0 था, अभी ये 3.1 के साथ आ रहा है, तो ये एक अपग्रेडेशन है, छोटी सी अपग्रेडेशन है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है ये फ़ोन और वर्चुअल रैम आप इसमें 12GB और इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्टीरियो स्पीकर में भी आता है, Dolby Atmos सपोर्ट करता है आपका, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है तो आपको होता है इसमें, तो स्टीरियो स्पीकर दिया गया तो आपको क्या साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी खासी आएगी, आपको उस ईयरफोन का दरकार नहीं पड़ेगा। लाउड है, काफ़ी लाउड है, आप सैम्पल वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के, तो जी हाँ, ये 200MP सैमसंग आइसोसेल प्रोसेसर यूज़ किया गया है इसमें। 200MP का कैमरा है तो काफ़ी फोटोज़ ब्राइट क्लियर क्रिस्प एंड क्लियर फोटोज़ आएंगे, विविड कलर आएंगे, वो भी हम चेक करेंगे। हम बाहर में आए हैं तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। और एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया हुआ है जो कि 8MP का है और एक डेप्थ लेंस दिया गया है जो 2MP का है। और सेल्फी कैमरा इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा है और इसमें आपको जो कनेक्टिविटी फीचर्स है वो वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और 9 5G बैंड से जो कि सारे बैंड्स इंडिया में चल रहे हैं, तो आप इसमें 5G आप आँख बंद करके आप ले सकते हैं, 5G इसमें चलेगा ही और ऑलमोस्ट इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, तो आप इस एक्सपीरियंस करके आप देख सकते हैं, आपका इंटरनेट फास्ट होगा, आपको गेमिंग फास्ट होगा, लैग नहीं होगा, तो ये सब फीचर्स आप 5G के फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो इसका 200MP का जो कैमरा है उसमें आपको OIS भी सपोर्ट करता है और वीडियो में आपको 4K 30fps तक आप शूट कर सकते हैं। और सेल्फी कैमरा में आप जो 32MP का जो कैमरा है उसमें आप 1080p 30fps तक शूट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया फीचर जो इसको मुझे लगा है वो है आपका 1x 2x एंड 4x तक डिजिटल जूम होता है, वो आपको प्रोसेसर जूम करता है जो आपको 0 क्वालिटी लॉस होता है, इसमें आपको एज इट इज़ क्वालिटी मिलेगा 4x जूम तक। और 20x तक इसका स्पेस जूम है, आप 20x तक कोई भी जूम कर सकते हैं। मुझे जो सबसे बड़ा इसमें जो कमी महसूस हुआ वो है कि सबसे पहला बात Realme का जो UI है वो काफ़ी भारी है,
और उसके ऊपर जो ये फोन आता है वो